हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा दर्पण। तो इते लेट वीडियो छाड़ थारु तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। काली किसी करंट इश्यू हैला और ता पूर्वर किसी प्रॉब्लम थिला कारण मोर आमर जो ऑफलाइन कोचिंग अछि हैला सेठी वर्तमान तांकर पिला मानकर वर्तमान सेक्शनल एग्जाम चालिछि। कहा को जदि सेक्शनल एग्जाम कोर्स टी दरकार ठीक अच्छे ये एग्जाम सेशन क्या दरकार तेज़े मत निजे कमेंट बॉक्स रे जनाओ। आमर व्हाट्सएप नंबर है 9658985821। एटा हूँ मोर व्हाट्सएप नंबर। यदि क्या भी ये सेक्शनल एग्जाम रिलेटेड मटेरियल्स दरकार देन मत नंबर रे मेसेज कर ठीक अच्छे। तो एबे नेक्स्ट आम सेशन स्टार्ट करवा। आज आम ग विभाग आठ खंड गणित करद मानने जो दिन आम कैनसल हो जाता मानते मुझे भिडटा पक नी कौन प्रोब्लेम सकाशे तो आज ताको पूरा मेकअप कर आज आठ खंड गणित मुझे पूरा डिस्कसन करी। तो चलो तो स्टार्ट करवा। देख ये है कौन कनसेप्टा ए बी सी सब मध्य बिंदु तो जेहेतु देख पिले को बुझ ना मत प्रामाण्य कौन अच्छी करिवा को ना त्रिभुज ए बी सी सर्वसम सरी सदृश विधि त्रिभुज ए डी ई सदृश विधि त्रिभुज बी डी एफ सदृश विधि त्रिभुज डी ई एफ सदृश विधि त्रिभुज ई एफ सी। देख प्रमाण केमी कर ना देख जेहेतु मोर ए दीटा अनुपात समान माने कौन मोर जेहेतु ए डी बाय बी डी जेहेतु ए डीटा मोर बी डी संगे समान तो ए डी बाय बी डी मोर कौन आसे वन आसीबो। तो से भली भाव मोर ए इज इक्वल टू इसी तो मोर ए बाय इसी कौन आसीबो वन आसीबो इक्वेशन टू। तो त्रिभुज ए बी सी रे वन ओ टू रु आमे आमे पाइबा जे त्रिभुज पाइबा जे कौन ना डीई डीई पारलाल बी सी। तो जेहेतु डीटा बी सी सांगे डीटा जेहेतु मोर पूरा बी सी सांगे यदि पार्लाल है तो मुझे प्रथम देखी त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए डीई मध्य रे तो यही कोणटा ये कोण सांगे समान हम अनुरूप कोण जेहेतु ये दुटा पार्लाल जदि मोर एटा छेदक हुए तो दुटा कोण समान अनुरूप ए दुटा कोण भी समान हम अनुरूप। तो कोको सदृशता अनुसार त्रिभुज ए डी ई सदृश विथ त्रिभुज ए बी सी वन तापरे जेहेतु आमर कौन ना बी डी बाय ए डी इज इक्वल टू वन बी डीटा ए डी सांगे समान तो बी डी बाय ए डी के वन हम जेहेतु एफटा बी एफटा सी एफ सांगे समान तो बी एफ बाय सी एफ के वन हम द बी एफ बाय सी एफ इज इक्वल टू वन। तो त्रिभुज अते कौन हम ना डीएफ पारलाल डीएफ पारलाल ए सी कौन उपपाद्य उपपाद्य दुई अनुसार है। त
तो जेहेतु मोर देख ये मोर डीएफटा जब मोर एसी सांगे जब मोर पारलाल है डीएफटा मोर एसी सांगे जब मोर पारलाल है तेल कौन हम तेल ये कोणटा ये कोणटा ये कोण सांगे सामान हम बीडीएफ सांगे बीएससीटा सामान हम अनुरूप कोण कारण ये जब मोर ए गोटे छेदक है आउ डीएफ आउ एसी जब पारलाल है तेल ये दुटा कोण सामान यार भी ए दुटा कोण सामान तेल मोर कौन मिलला त्रिभुज ए बी सी सदृश होती त्रिभुज बी डी एफ बुझा पड़ा सदृश होती त्रिभुज बी डी एफ तापर एटी देख यही लाइन टाक धरवा इफ एटा इसी सांगे सामान कारण ईटा हूँ मध्यबिंदु एफटा मध्यबिंदु तो मोर इसी ए बाई इसी टा मोर वन बाहर बीएफ बाई सी एफ भी मोर वन बाहर ताल मोर कौन हम इफ्टा एपी सांगे पार्लाल हम जब इफ जब एपी सांगे पार्लाल है यही कोणटा ये कोण सांगे सामान हम अनुरूप तापर ए कोणटा इ कोण सांगे सामान अनुरूप तापर से अनुसार त्रिभुज ए बी सी सदृश होती त्रिभुज एटा कौन इक्वेशन टू एटा हूँ सदृश त्रिभुज इ एफ सी एटा हूँ इक्वेशन थ्री तो वन टू थ्री अनुसार ए बी सी सांगे ए डी बी डी एफ आउ इ एफ सी सदृश हो गले मैंने गोटे त्रिभुज सांगे तीन टा जाक त्रिभुज सदृश हो गले तो वर्तमान गोटे त्रिभुज सांगे सब जाक त्रिभुज कौन है इक्वल हो गले पूरा माने कौन गोटे त्रिभुज कमन रहा जेहतु गोटे त्रिभुज सांगे सब जाक त्रिभुज सर्वसम हो गले तो समस्ते निज निज सांगे भी सदृश हो गले है मत लास्ट प्रमाण करार अच्छी जेकोसी गोटे त्रिभुज मत तीन टाक त्रिभुज सामान बोली प्रमाण करार अच्छे तो मुझे तुम या फटाफट स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मुझे इरेज करी आ गोटे भल चित्र करवा जोटा कि लास्टा प्रमाण हो देख तो जेहेतु ए बी सी डी ई एफ देख जेहेतु डीटा बी सी सांगे पार्लाल बुझा पड़ा डीटा मोर बी सी सांगे पार्लाल आउ इफ्टा मोर बी डी सांगे पार्लाल तो मोर कौन जो चतुर्भुजर विपरीत बाहुमान समांतर ताको गोटे सामांतरिक चित्र कहवा तो सामांतरिक चित्र हेतु विपरीत बाहुमान समांतर सामान ताने बीडी बीडी इज इक्वल टू इफ आउ डीई इज इक्वल टू कौन बीएफ बुझा पड़ा सिमिलरली एटा कौन ना चतुर्भुज बी डी ई एफ चतुर्भुज रे तो बी डी एफ टा कौन हो गला गोटे सामांतरिक क्षेत्र हो गला सामांतरिक क्षेत्र तो सही भली भाव रे डी ई सी एफ चतुर्भुज रे कौन डीएफटा सी सांगे पार्ला कारण डीएफटा जेहेतु एसी सांगे पार्ला है आउ एसी रो गोटे अंश है मोर इसी तो डीएफटा इसी सांगे पार्ला लब राइट तो डीटा जेहेतु बीसी सांगे पार्ला आउ बीसी रो गोटे अंश है सी एफ तो डीटा सी एफ सांगे पार्ला तो जेहेतु दुटा अपोजिट बाहुमान समांतर हेले तो एटा गोटे कौन है सामांतरिक 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 क्षेत्र है तो सामांतरिक क्षेत्र हेले डीईटा कहा सांगे सामान हम ना सी एफ सांगे सामान हम बुझा पड़ा तापरे
डीएफ टा का संगे समान हम इसी संगे समान हम बुझ पड़ा। तो वर्तमान देखा आमर त्रिभुज बी टी एफ जेहेतु डीटा बी एफ सांगे सामान आईटा सी एफ सांगे सामान है ए दीटा डीटा बी एफ सांगे सामान एटा भी सामान तो दीटा जिस डीटा बी एफ सांगे सामान डीटा सी एफ सांगे सामान ताने कौन इम्प्लाइज दैट बी एफ इज इक्वल टू सी एफ है यहाँ गोटे बाहर तापर बी डीटा ई एफ सांगे सामान आउ डीएफटा तापर बर्तमान देखिए त्रिभुज बी डी एफ ओ त्रिभुज ई एफ सी मध्य कौन ना बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ई एफ तापर डी एफ इज इक्वल टू ईसी तापर बी एफ इज इक्वल टू सी एफ तार एटा कौन बाहर ना बा 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 सर्वसम्मता अनुसार दीटा जाक त्रिभुज सर्वसम हो गले। तो त्रिभुज सर्वसम मान सम क्षेत्रफल विशिष्ट हो गले क्षेत्रफल भी सामान सम क्षेत्रफल विशिष्ट कहीं दीटा जाक त्रिभुज दीटा पार्लाल भितर आसमान हाइट भी सामान एटी मु प्रमाण कर सारे भूमि सामान बी एफ इज इक्वल टू सी एफ भूमि सामान। तो जेहेतु दीटा जाक त्रिभुज डीई आ सी सामान मानने सरल रेखा भितर गोटे पार्लाल लाइन भितर आसान हाइट भी सामान तो से सम क्षेत्रफल विशिष्ट हो गले बुझा पड़ा। तापर बर्तमान जेहेतु बी टी एफ चतुर्भुज बी सरी बी डी एफ चतुर्भुज सामंतरीय क्षेत्र बी टी एफ बी त्रिभुज देदेली बी डी एफ एक सामंतरिक सामंतरिक क्षेत्र होइथिबारु कौन बी डी एफ कर्ण द्वारा दीटा सम क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज सृष्टि हेले तो त्रिभुज बी डी एफ सर्वसम हुई त्रिभुज कौन डी ई एफ सम क्षेत्रफल विशिष्ट तापरे सिमिलरली सिमिलरली कौन लिखा हबो ना डी ई सी एफ डी ई सी एफ एक सामंतरिक क्षेत्र होइथिबारु कौन हम सामंतरिक क्षेत्र होइथिबारु कौन त्रिभुज आर भी दीटा जो कर्ण है आमर ई एफ कर्ण रे दीटा समान क्षेत्र पड़ आसला त्रिभुज डी एफ सर्वसम त्रिभुज इ एफ सी। तो बर्तमान देख डी एफ टा इ एफ सी सागर सर्वसम ये डी एफ टा बी डी सी सागर सर्वसम तापर आम कौन बाहर निष्पक्ष ना त्रिभुज बी डी एफ सर्वसम त्रिभुज इ एफ सी तमने बुझे कि लिखिब है मु कौन तुमको कनसेप्ट बुझौ मुझे प्रति स्टेप लिखा जी तेल बहुत लेंथी वीडियो हो तो मुझे तुम कनसेप्ट बुझौ तो मोर ये कौन बाहर मन कर आपको दे दियो बी डी एफ टा ई एफ सी सांगे छाड़ बी डी एफ टा ई एफ सी सांगे सदृश तुम मोर डाटा कि दरकार नहीं बी डी एफ टा ई एफ सी सांगे सामान यहाँ गोटे दे बी डी एफ टा डी एफ सांगे सामान यहाँ गोटे दे डी एफ टा ई एफ तीन देला तो ये तीन टा जाक कौन ए डी रहा गोटे तो ए डी रे देख ए डी तो ए एटा मोर ए बी सांगे पार्लाल तो एटा
मोर एडी सांगे पारलाल हम तापर डी डी एफ टा आमर ए सांगे तो पारलाल अच्छे तो ये भी गोटे सामंतरीय क्षेत्र आसला तो ये दु जन भी सम क्षेत्रफल बुझा पड़ा तो ये चारिटा जाक त्रिभुज को मिसेले मोर ए बी सी त्रिभुज हम आई चार्टा जाक त्रिभुज सम क्षेत्रफल विशिष्ट बाहर ले तो मुझे गोटे त्रिभुज को धरवि त्रिभुज फोर इंटु त्रिभुज ए डी इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज ए डी इज इक्वल टू वन बाई फोर त्रिभुज ए बी सी बुझेगा बहुत सम माने मु सामंतर क्षेत्र नहीं होली मुझे फास्ट गोटा को बाबा बार सर्वसम करी कौट कनसेप्ट आमती आनली भलसे बुझ तापर एटी गोटे सामंतरिक बाहर कौन कौन डीईएफ बी आ गोटे बाहर डीई सी एफ आ गोटे बाहर इफ डी ए तो तीन टा सामंतर क्षेत्र जो दीदीटा दीदीटा लेखे बाहर ला त्रिभुज कारण कर्ण तो दीटा सामंतर क्षेत्र को गोटे कर्ण सम क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज परिणत कर यहाँ हूँ तार कनसेप्ट सम क्षेत्रफल विशिष्ट कला मैंने से सर्वसम है सम क्षेत्रफल भी है कहना जेहेतु दीटा पार्लाल लाइन भी तो रोचान हाइट भी इक्वाल दीटा सर्वसम त्रिभुज जो दीटा पार्लाल लाइन भी तो रोचे हाइट इक्वाल रूमि इक्वाल हो सारा तो गोटे त्रिभुज क्षेत्रफल इक्वाल तो से कनसेप्ट अनुसार ये लिख पूरा त्रिभुज ए डी र क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी एफ र क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी एफ र क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ई एफ सी क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी सी क्षेत्रफल तो जेहेतु चारि जन एक सामान तो मुझे गोटा को नहीं गली तो चारि इंटु ए डी इज इक्वल टू ए बी सी तो चारिटा को पार्श्व परिवर्तन करदेवि तो ए डी इज इक्वल टू वन बै फोर ए बी सी एगुटा दे प्रमाण कर बुझेगा तो यहाँ हूँ 11 नंबर आपको पूरा गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तुम्हें तुम निजे बुझिकी वीडियो एंड पर आराम से बस कर नेक्स्ट देख सी कहला त्रिभुज ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज तो बी कोण है मोर समकोण पी क्यू आर एस है मोर आयत चित्र ताने मोर एटा समकोण एटा समकोण एटा समकोण एटा समकोण एटा समकोण एटा मध्य समकोण बुझा पड़ा मत प्रमाण करार अच्छी एपीएस क्यू सी आर पी क्यू बी एसी बी ये सब सदृश एससी माने आमर जो ए बी सी त्रिभुज अच्छे देख मुझे बड़ त्रिभुज को बाकी तीन टा त्रिभुज सांगे लिंक करदेवि ऑटोमेटिक समान हो देख फास्ट बड़ त्रिभुज देख ए बी सी देख आउ बी क्यू ए बी सी देख आउ एटा देख एपीएस देख ना देख ए बी सी बी कोण 90 डिग्री आउ ए एस पी कोण भी 90 डिग्री गोटे गला तापर एपीसी रो ए कोण एपीएस रो बी ए कोण ए दीटा कोण हला ना त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए पी एस मध्यरे कोण ना बी कोण इज इक्वल टू तार कोण ना ए एस पी कोण एटा 90 डिग्री तापर ए साधारण कोण साधारण कोण तो कोको सदृशता अनुसार त्रिभुज ए बी सी सदृश होती त्रिभुज एपीएस कोको सदृशता तापर सिमिलरली देख त्रिभुज ए बी सी आउ एटा कौन ना बी कोणटा आर कोण सागर समान 90 डिग्री तापर एटी कौन ए बी सी रो सी कोण आउ क्यू आर सी री कोण साधारण कोण तो एठी भी कोको सदृशता अनुसार कौन है ना त्रिभुज ए बी सी सर्वसम ए सॉरी सदृश त्रिभुज क्यू आर सी एटा भी कोको सदृशता अनुसार वन एटा टू तापरे तापरे देख ए बी सी रे देख मोर जेहेतु पी क्यू आर एस टा मोर सामंतर क्षेत्र तो पी क्यूटा मोर क्या सागर एसआर सागर पार्लाल एसआर टा जेहेतु मोर एसी रोटे अंश तो मोर कौन हम ना पी क्यूटा एसी सागर भी
पार्लाल हम जो पिक्यूटा यदि एसी सागर पार्लाल है ताले देखो एई कोणटा मोर ए कोण सागर समान हम बुझा पड़ा एई कोणटा मोर ए कोण सागर समान हम तापर मोर एटा 90 डिग्री एटा भी 90 डिग्री तो मोर कौन है ना ए पी एपीएसटा मोर सदृश हो गला बी पी क्यू इक्वेशन थ्री तो एपीएसटा मोर बीपी क्यू सहित सदृश आउ एपीएसटा मोर एबीसी सहित सदृश तो अल्टीमेटली एबीसी सदृश बीपी क्यू एटा होगा फोर तापरे एटी कौन लिखिब ना वन टू ओ फोर रु आमे पाइलु जे त्रिभुज एबीसी किंबा एसीबी तुम ये जहाँ लिख लिख सदृश होती त्रिभुज एपीएस सदृश होती त्रिभुज क्यूसीआर सदृश होती त्रिभुज पी क्यू बी मैं पी पी क्यू नहीं तुम पी क्यू भी नहीं पार है ना टी कि कथा नहीं तो यहाँ है मोर प्रमाणित मुझे लिखी टी डी वाई बी सेम लिखनी दत्त प्रामाण्य कर त्रिभुज त्रिभुज मध्य त्रिभुज मध्य जो मुझे नी एटी जेंती एटी नियाला त्रिभुज एबीसी आ एपीएस मध्य रे कोको सदृश्यता कराला तो एभलिया तमे सब त्रिभुज सकाश करिवो हैला तो मु कांसेप्ट जेतु गोटे बुझे दिली बाकी त्रिभुज सदृश तमे एई स्टेप अनुसारे करिवो ठीक अछि ता एबे तमे स्क्रीनशॉट नै जा मु 13 नंबर को जंप करिवा देख 13 नंबर कहला एडीओटा बीसीओ एडीओटा बीओसी संगे सदृश हेले प्रमाण करे एडी इज इक्वल टू बीडी देख एडी पैरेलल सीडी एडीटा सीडी संगे पैरेलल तो जेहेतु पैरेलल जदि एसी मोर गोटे छेदक हला ताले एई कोणटा एई कोण संगे समान हबो आ एई कोणटा एई कोण संगे समान हबो आउ ए कोणटा ए कोण संगे समान हो देखो एटा या संगे समान हो एकांतर नियम एटा भी या संगे समान हो एकांतर नियम बीडी जदी गोटे छेदक होला ताले ए ओ डी आ बी ओ सी दिरा समान हो जेहेतुटा प्रतिपोज तो को सर्वसम्मत अनुसार त्रिभुज ए ओ डी त्रिभुज ए ओ डी ओ त्रिभुज बी ओ सी मध्य प्रथम लिखा कौन ना ए डी सॉरी एबी पैरेलल सीडी 1.55 कोइची एबी पैरेलल सीडी एबी पैरेलल सीडी जदि एबीटा जदि सीडी रो जदि पैरेलल तले ये तो छेदक यदि हैला कौन हबो ना एई कोणटा एई कोण संगे समान हबो तापरे एई कोणटा एई कोण संगे समान हबो आउ दिटा प्रतिब कोण हैला त्रिभुज ए ओ बी एटा ए ओ बी आउ सी ओ डी मध्य रे एबी पैरेलल सीडी होतिबारु कोण ए बी ओ कोण इज इक्वल टू कोण ना ओ डी सी तापरे बी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी डी तापरे ए ओ डी कोण इज इक्वल टू कोण सी ओ डी एटा होचु प्रतिप प्रतिप ये हला एकांतर एटा भी एकांतर तो को सदृशता अनुजाई त्रिभुज ए ओ डी सॉरी ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी तो सर्वसम हेतु कौन ना को सर्वसमता अनुसार तो यार अनुरूप बाहन सामान हम ए इज इक्वल टू सीओ तापर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी तापर आउ कौन हम ना ए बी इज इक्वल टू सी डी तापर देख ना त्रिभुज ए बी डी
सॉरी एओ त्रिभुज एओ डी एडीओ त्रिभुज एओ डी और त्रिभुज एओ डी और त्रिभुज कण बीओसी बीओसी रो जदि आमे क्षेत्रफल जदि आमे अनुपात नौचे ताले कण हबो तार बाहुर वर्गानुपात सहित समान माने एओ स्क्वायर बाय एओ स्क्वायर बाय ओसी स्क्वायर तो एटा कण हबो एओ बाय ओसी रो होल स्क्वायर जेहेतु एओ इज इक्वल टू सीओ किबा ओसी तो ये दुटा कटिगला ताले कण हला 1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो दुटा जक त्रिभुज रो क्षेत्रफल रो अनुपात यदि 1 बाहरला ता माने त्रिभुज ए ओ डी रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज बी ओ सी रो क्षेत्रफल हला तो दुटा यदि सम क्षेत्रफल रहिला ताले आमे एटी कोण जानिबा डीटा डीटा रा क्षेत्रफल समान होला डीटा को त्रिभुज रे जदी अनुपात नै गोटा काम करिया धीरे त्रिभुज अनुपात न जेहेतु ओटा दत्त देइछि त्रिभुज एटी ओटा बीसी ओ संगे समान तार अनुरूप बाहु एओ बाय सीओ डा का संगे समान हबो ना बीओ बाय डीओ तो जेहेतु ए दुटा को इक्वल जानी सैलनी एटा 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 कटि गले आउ एटा कहा संगे समान हबो ना एडी बाय बीसी तो ए माने सब समान एटा कटि गले कोन 1 आसीबो ता माने एडी बाय बीसी इज इक्वल टू 1 अतएव एडी इज इक्वल टू बीसी प्रमाणित बुझि पाइलो मु एटा फर्स्ट ए दुटा त्रिभुज को सर्वसम करैली तापर एमानकर अनुरूप बाहुड समान कर दिली जेहेतु उपरटा आरो त्रिभुज रो सदृश कह दैछि ताले आरो अनुरूप बाहु उडाकर अनुपात सहित समान बाहु रो अनुपात संगरे तो एमानकर बाहु रो अनुपात जेहेतु इक्वल अछि 1 आसीबो तो आ गोटे बाहु हला उपर रो गोटे बाहु हला एडी तळ रो गोटे बाहु हला बीसी तो एडी बाय बीसी भी 1 हबो तो एठी यदि मु आनी मल्टीप्लाई कर देबी तो एडी इक्वल टू बीसी एटा हे गला हमरो प्रमाण बुझियला जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ नेक्स्ट कौन तो हम जंप करिया देखो से कहला एबीसीडी ट्रापीजियम रे ट्रापीजियम कर दबा एबीसीडी ए बी एडी एडी बीसी से कहला एडी टा बीसी संगे पारलाल तो एई बाहुटा ए बाहु संगे पारलाल अछ त आमे कोन करबा गोटे गोटे कर्ण गोटे अंकन कर दबा देखो मु पेन करछु मोर टिके भूलभाल भाबछि इना चित्र त हम भलसे करिवो देखो एठी गोटे दत्त कोण देइछि ना एबीडी माने एई कोणटा डीसीबी एई कोण संगे समान तो जेहेतु एटा पारलाल एई कोणटा भी ए कोण संगे समान हबो एकांतर कोण तो एई कोणटा ए कोण संगे समान ए कोणटा ए कोण संगे समान तो आमे जे धरिबा त्रिभुज एबीडी ओ त्रिभुज बीडीसी मध्य रे कोण ना ए ए बी डी सर्वसम त्रिभुज डी सी सॉरी कोण कोण डी सी बी एटा दत्त ऊपर एटी देइछ दत्त तापरे ए डी बी कोण इज इक्वल टू ए बी डी कोण एटे मु बी सी लिखि दे ए डी बी इज इक्वल टू कोण कोण डी बी सी एकांतर हला या पूर्व लिखि दबो ए डी प
पारालाल बीसी हेतु हला एकांतर कोण तो ये कौन है ना त्रिभुज ए बी डी सदृश त्रिभुज बी डी सी हला आकु लिखिदब कोको सदृशता सादृ सत्ता तो कोको सदृश अनुसार ये दुटा को समांतर होगा अनुरूप बाहु मध्य समांतर अनुरूप बाहु जानिया केंती ए बी डी टा डी सी बी संगे समान तो ए बी डी रो सम्मुखीन होला ए टी डी सी बी रो सम्मुखीन होला बी डी तो ए टी बाई बी डी इज इक्वल टू ए टी बी ए ए डी बी ए कोणटा ए कोण संगे समान यार सम्मुखीन होवा होला ए बी यार सम्मुखीन होवा होला सी डी तो ए बी बाय सी डी आ गोटे कौन रहा दीटा कोण समान जेहेतु एगुड़ाक समान होगा तो तृतीय जोड़ा कोण भी ऑटोमेटिकली समान हो यार सम्मुखीन होगा बी टी यार सम्मुखीन होगा बी सी तो बी टी बाय बी सी तो ये पार्टा को छाड़देले आम दीटा पार्ट को समानुपाति कर देखा तो ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू बी टी बाय बी सी तो जदि आम एकांतर नियम पकेबा हला ताले कौन हम ना ए डी इंटु बी सी इज इक्वल टू बी डी इंटु बी डी अतएव बी डी इंटु बी डी हला बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु बी सी एटा हला प्रमाणित प्रूफ बुझा पड़ा केमती प्रमाण हो बहुत इजी इजी स्टेप खाली गोटे गोटे खाली सदृशता प्रमाण करिवार अछि सदृशता थरे प्रमाण हो गले आम काम हो गले तापर आम नेक्स्ट गणित को जंप करवा फटाक से स्क्रीनशॉट नहीं जा देखो से कहला ए बी सी रे आगो फास्ट कर दबा तो ए बी सी रे एक्स वाई टा बी सी सांगे पारलाल एटा देला गोटे ए डी गोटे अंकन है जोटा कि एक्स वाई रे मन कर ओ बिंदु रे छेद कर मत प्रमाण करा एक्स वाई को समदीखंड कर माने ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई टा मत प्रमाण कर देख तो जेहेतु एक्स वाई टा मोर पारलाल बी सी सांगे ताले कौन मोर प्रामाण्य कौन मु फास्ट लिखी दूची तुम दत्त लिखिबो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई हला अंकन ए डी ओ एक्स वाई रो छेद बिंदु ओ तापरे प्रमाण एक्स वाई पारलाल बी सी हेतु कौन हम ना ए एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाय सी वाई कहा अनुसार ना उपपाद्य दुई नहीं सॉरी उपपाद्य एक उपपाद्य एक अनुसार दीटा पारलाल है तार समानुपाति त्रिभुज ए बी डी रे बी सी रो गोटे अंश है बी डी एक्स वाई रो गोटे अंश है ओ एक्स पारलाल बी डी हेब तो ये ओ एक्स पारलाल बी डी हेले त्रिभुज ए एक्स ओ त्रिभुज ए बी डी मध्यरे कौन ना जेहेतु ये आसाम पारलाल ए कोणटा ए कोण सांगे पारलाल आ कोण सॉरी अनुरूप कोण एटा या सांगे अनुरूप एटा कौन हम ना ए बी डी कोण इज इक्वल टू ए एक्स ओ कोण अनुरूप
तापरे कौन हम ना ए डी बी कोण इज इक्वल टू ए ओ एक्स कोण एटा भी अनुरूप ताले कौन आला त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए एक्स ओ सदृश त्रिभुज ए बी डी तो सदृशता है गले कौन को सदृशता ना को सदृशता अनुसारे मोर कौन हैला ना ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू से कहि पुणी बी डी मध्यम माने बी डी इज इक्वल टू सी डी एटा दत्त अछि ताले एटा कौन हैला ना ए ओ बाय ए डी इक्वेशन 1 सही परी प्रमाण करा जाई पारिबो त्रिभुज ए डी सॉरी त्रिभुज ए वाई ओ सदृश त्रिभुज ए डी सी हेले यदि सदृश हला कौन ए ओ बाई ए डी इज इक्वल टू ए वाई बाई एस सी इक्वेशन 2 ए ओ बाई ए डी टा या संगर समान आउ तेणुक दीटा सामान होगा ठीक अच्छे ताको फटाक्स लिखी नियो मुझे इरेज करी अच्छा देख आ गोटे भी अच्छी ना एटा आ गोटे सागर भी सामान कौन ना ओ एक्स बाय बी डी एटा भी आ गोटे सागर सामान हम कौन ना ओ वाई इज को ओ वाई बाय सी डी कारण तीन टाक बाहु समानुपाती ना तो तीन टाक बाहु मु लेखि देली कोटा दरकार पड़ो देख ए बाय ओ डी टा मझीरे अच्छे तो मोर ओ एक्स बाय बी डी ए बाय ओ डी टा ओ एक्स बाय बी डी संगे समान ए बाय ए सी टा ए बाय ए डी टा ओ वाई बाय सी डी संगे समान तो मु एथुरु इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 रे मु पाइली कि कोण ना ए ओ बाय ओ डी टा ओ एक्स बाय बी डी संगे समान आ गोटे थिला एटा थिला इक्वेशन 1 आ गोटे थिला ए ओ बाय ए डी टा का संगे समान ना ओ वाई बाय सी डी तो 1 आउ 2 रु मु कोन पाइली ना ओ एक्स बाय बी डी इज इक्वल टू ओ वाई बाय सी डी तो मु कोन कर ना एकांतर नियम पकी देली ओ एक्स बाय ओ वाई इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी तो ओ एक्स बाय ओ वाई इज इक्वल टू 1 काई ना डी हला मध्यम तो बी डी इज इक्वल टू सी डी एटा दत्त हला तणु करी एटा त ओ वाई टा ने कि एपटे मल्टीप्लाई कर देबी तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई प्रमाणित ए जिंसटा प्रमाण करिया थिला ना ओ बिंदुटा एक्स वाई रो मध्य बिंदु एटा प्रमाण कर जेहेतु ए डी टा एक्स वाई को ओ बिंदु छेद करछि मु अंकन नै छि तणु करी मते प्रमाण करिया थिला ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई तो एटा मोर हे गला बुझा पहिला फटास से स्क्रीनशॉट नै जा नेक्स्ट को जिबा तापर देख मत 16 नंबरटा प्रमाण करै रछि गोटे त्रिभुज देला ए बी सी त्रिभुज एटा को टिके भलो से बुझिबो ए बी सी त्रिभुज ए डी हला मध्यमा ए डी हला गोटे मध्यमा तो मध्यमा करा गला ए डी यार भी गोटे मध्य बिंदु अछि ई तो मु बी रश्मि जो करी से एसी को एक्स बिंदु छेद कर सी ए जिनसा प्रमाण करने को देला
तो मोर कौन दत्त ना ए इज इक्वल टू इटी बी टी इज इक्वल टू सी डी। देख मोर किसी भी कोण जदि यहाँ मध्यबिंदु देला इटी बाई ए कले भी मत बी टी बाई एपिटा मत सामान दत्त ना तो मुझे उपवाद्य कौन सी मत भी प्रमाण करी ना तो मुझे जो आडिशनाल अंकन करी कौन ना डी बिंदु को केन्द्र करी डी वाई रश्मि अंकन करा जाऊ जहाँ एसी को वाई बिंदु छेद कर डी वाई टा बी एक्स सांगे पारलाल हम तो हेले कौन ना प्रथम ये गुटाक देख प्रथम मु अंकन कौन कली ना डी वाई अंकन कर जेपरी बी एक्स पारलाल डी वाई हेब एटा अंकन तापर प्रमाण कौन प्रमाण देख त्रिभुज ए डी वाई रे कौन ए डी वाई रे कौन ना जेहेतु ईएक्स ईएक्स पारलाल डी वाई अतएव ए बाई इडी ए बाई इडी इज इक्वल टू पारलाल दैट टू कौन हम ना ये आ गए लिखा गोटे डाटा गोटे लिखा त्रिभुज ए एक्स ओ त्रिभुज ए डी वाई मध्य देख जेहेतु यहाँ या सांगे पारलाल तो ये कोणटा या सांगे सामान हम आई कोणटा भी या सांगे सामान हम सब अनुरूप कोण कौन ना ए एक्स कोण इज इक्वल टू ए डी वाई कोण अनुरूप तापरे कौन अच्छी ना ए एक्स इ कोण इज इक्वल टू ए वाई डी कोण एटा भी अनुरूप तो कोको सदृशता अनुसार त्रिभुज ए एक्स सदृश त्रिभुज ए डी वाई कोको सदृशता ताले यार कौन अनुरूप भाग गुड़ाक समानुपाति तो ए बाई ए डी ए बाई ए डी इज इक्वल टू ई एक्स बाई डी वाई हला तो ए बाई ए डी कौन ए डीटा कौन मुझे ये लिखी ए बाई ए डीटा कौन एटा इडी सांगे सामान तो एडीटा मु कौन जब एडी को मु ए सांगे कंपेयर करी ताले एटा जेहेतु एडी रो अदा तो ए रो द्विगुण हला एडी हला ए रो द्विगुण हला एडी तो मु एडी जगह टू ए पकी परबी तो मु पकिली टू ए इज इक्वल टू ई एक्स बाय डी वाई तो ए ए कटिगला वन बाय टू रहा तो ये कौन जदि यहाँ क्रॉस चेंज हो गला तेल कौन ना डी वाई इज इक्वल टू टू ई एक्स इक्वेशन वन तापरे त्रिभुज कौटी ना त्रिभुज बी एक्स सी ओ त्रिभुज डी वाई सी रे कौन ना बी एक्स टा मु डी वाई सांगे पारलाल नहीं तो एक कोणटा एक कोण सांगे सामान हम एक कोणटा एक कोण सांगे सामान हम तो कोण एक्स बी सी इज इक्वल टू कोण वाई डी सी अनुरूप है मु सर्वदा लिखा आवश्यक नुह तो मैंने बुझी जापरे बी एक्स सी इज इक्वल टू वाई सी डी सॉरी डी वाई सी अनुरूप ताले कौन है त्रिभुज बी एक्स सी सदृश हुई त्रिभुज डी वाई सी कोको ताले कौन हम
ना बीएक्स बाय डीवाई, बीएक्स बाय डीवाई इज इक्वल टू बीटी बाय सीटी हला। तो बीटी आउ सीटी तो दीटा को इक्वल देछि तो एटा कटि गेल 1 आसीबो। तो एठी हमर कोन बाहरला ना bx इज इक्वल टू dy, बुझा पहिला कोन आसला bx इज इक्वल टू dy आसला। आगो फटाक से लिखि नियो आकु मु इक्वेशन गोटे 2 दे दउची। हमर कोन बाहर छि ना bx इज इक्वल टू dy। ना हमर कोन हैला ना त्रिभुज bxc सदृश हैला त्रिभुज dyc सहित, ताले कोन अनुरूप bx by dy का संगे समान हो ना bc bc by cd, bc बी कारण जेहेतु मु ऊपर डायर लब नै छी bx c रो डा बाहु, तो bx c रो bc गो डा बाहु यार बाहु, तो एठे हमर टिको उल्टो पलटो हे गला। तो bc डा मोर कोन जेहेतु bd डा cd संगे समान, तो bc डा मोर cd रो दि गुण, तो bc जगह मु लेखिबे 2cd इज इक्वल टू cd। तो cd cd काटि देले ताले मोर कोन हला bx इज इक्वल टू t 2dy। तो bx टा कोन एटी बी एक्स टा देख बी एक्स टा कौन बी प्लस ई एक्स, तो ये मुझे लिखी दिली बी प्लस ई एक्स इज इक्वल टू टू डी वाई जगह कौन लिखी दिली ना टू ई एक्स, तो यहाँ कौन है गला फोर ई एक्स। तो सिंपली कौन कली ना ई एक्स रो पार्श्व परिवर्तन कर दिली, तो बी इज इक्वल टू फोर ई एक्स माइनस ई एक्स इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ई एक्स, एटा हला मोर प्रमाणित। से गोटे जगह रे हमर भूल रही होतला, तो एठी सब बळे अनुपात नेला बळे ध्यान रो सहकारे जेतु मु आकू यार गोटे बाहु को लबर रखिली यार गोटे बाहु को हरर रखिली, तो नेक्स्ट अनुपात डी मु जहा नेबी तार अनुपात को, तो एठी मु कोन करथिन ना बीटी बाय सीटी कर देली, तो मोर इक्वल हे गेला। बीटी कोन बीटी कहार बाहु बीटी कोन बीएक्ससी रो बाहु, बीएक्ससी रो बाहु गेला बीसी, तो बीसी कला गुण आम आंसरटा ठीक बाहला, बुझा पड़ा। तब नेक्स्ट टाइम देखिए 17 नंबर, 17 नंबर टाइम केमती करवा देख, ए बी सी डी तो सी कहला ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू CD into BD हला, एटी DC देची DC जाया CD से या, तो AD by BD is equal to CD by AD। तो अनुरूप कौन कौन A B D ओ A D C रे A D B कौन डा कहाँ संगर समान ना ए डी सी 90 डिग्री, तो दीटा समानुपाति बाहरला आ गोटे अंतर्गत कोण समान, तो एठी कोण पड़िबो त्रिभुज ए बी डी सदृश होती त्रिभुज ए डी सी। हेले ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी, तो ए डी रो सम्मुखीन कोण होला एटा, बी डी रो सम्मुखीन कोण होला एटा, तो कोण बी ए डी इज सर्वसम विथ कोण कोण ए सी डी उपपाद्य अनुसार, उपपाद्य चार अनुसार दीटा त्रिभुज सदृश हेले तार अनुरूप कोण गुड़िक समान, अनुरूप कोण के जानवा ना अनुपात रु ही जानवा। तापर सी डी बाय ए डी, तो सी डी रो सम्मुखीन कोण एटा आ ए डी रो गोटे सम्मुखीन कोण हेला एटा, तो ए बी डी कोण कहाँ संगे सर्वसम
ना डी ए सी आम जाने त्रिभुज ए बी डी रे कौन ना यही कोणटा जेहेतु 90 डिग्री है आई दीटा मिसिक 90 डिग्री तो कोण ए बी डी प्लस कोण बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री कोण ए बी टा का संग समान ना डी ए सी संग समान तो कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए डी इज इक्वल टू 90 तो बी ए डी और डी ए सी मिसले कोण तो कोण बी ए सी इज इक्वल टू 90 एटा गोटे बाहर ला आ गोटे प्रमाण एटा फर्स्ट प्रमाण तापर कहला ए बी डी और सी ए डी रो क्षेत्रफल ए बी डी और सी ए डी रो क्षेत्रफल रो अनुपात ए बी डी आउ त्रिभुज सी ए डी क्षेत्रफल अनुपात कौन हम जेहेतु ए दुटा सदृश हो सारा तो यार गोटे अनुरूप भाग यहाँ तमर कौन ए डी स्क्वायर एडी स्क्वायर बाय बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू सीटी स्क्वायर बाय एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर हला एबी और एसी तार दिटा अनुरूप बहु तो एमान संग समानता प्रमाणित सदृश हो जबार अछि वान्स सदृश हो गला तापर टू एटा भी प्रमाण हो गला एटा भी प्रमाण हो गला ठीक अछि तापर एटा को फटाफट स्क्रीनशॉट नियो उपपाद्य 18 टा सॉरी नाम क्वेश्चन नंबर 18 जोटा के हमर आज रो सेशन लास्ट क्वेश्चन आकु जल्दी से जल्दी डिस्कशन करबा त्रिभुज एपीसी और डीईएफ ए बी सी डी ई एफ कौन देखी ना ए टा डी सांगे समान बी टा ई सांगे समान तो ये कोको सदृशता अनुसार त्रिभुज ए बी सी सदृश त्रिभुज डीईएफ बुझा पड़ा बी सी रो एसी रो मध्य बिंदु बी सी रो मध्य बिंदु हैला एक्स आ ई एफ रो मध्य बिंदु हैला कौन वाई तो ए एक्स आउ ए वाई जॉइंट हैला तो जेहेतु दीटा को सदृश हैला आर अनुरूप बाहर अनुपात गुडा को सब सब माने समानुपाती हबो तो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ एटा कौन उपपाद्य उपपाद्य कौन चारि तापर ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए दीटा को धरिबा तो बी सी बाय एफ को कर दबा हाफ बी सी बाय हाफ ई एफ मु लबरे गोटे जिनस हररे सेम जिनस मु गुणन हरण कर परिबि तो हाफ बी सी कौन जेहेतु एक्स टा मध्य बिंदु है हाफ बी सी है बी एक्स बाय हाफ ई सी है ई वाई तो आ पूर्व लिखिदेव त्रिभुज ए बी एक्स ओ त्रिभुज डी ई वाई मध्य रे तो ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी एक्स बाय यू वाई बाहर ला आ गोटे कौन एम कोण ए बी एक्स इज इक्वल टू सर्वसम विथ एम कोण डी ई वाई हला एटा दत्त अछि तो अतएव उपपाद्य पांच अनुसार ए त्रिभुज ए बी एक्स सदृश विथ त्रिभुज डी ई वाई तो ये गोटे प्रमाण हो गला आरटा भी मध्य से भाव प्रमाण करार अच्छे एटा है उपपाद्य लिखिब उपपाद्य पांच अनुजाई तो से भाव प्रमाण करिया को हेले सेमिति लिखिदेवनी से भाव लिखिब त्रिभुज ए एक्स सी ओ त्रिभुज
डी वाई एफ रे कौन ना आमर ये आम बाहर कले कौन बाहर कले ना बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू एस सी बाई डी एफ तो ऊपर गोटे हाफ गुणिली तले गोटे हाफ गुणिली तो ऊपर हाफ गुणिले कौन हम सी एक्सटा भी गोटे बी एक्स रधा तो मुझे लिखिली सी एक्स बाई एपर लिखिली एफ वाई इज इक्वल टू एस सी बाई डी एफ बुझा पड़ा तो एठी तापरे सी कोणटा एफ कोण संगे समान हला जेहेतु ए दीटा कोण समान तो यार अनुरूप बाहुडा भी समान हम तो सी कोण इज इक्वल टू एफ कोण तो बर्तमान ए दीटा सदृश हो गले कोको सदृशता कोको सदृशता कौन उपपाद्य उपपाद्य पांच अनुजी ए दीटा भी सदृश हो गले तो ए दीटा ही मोर प्रमाण करिवार थिला सो आज सेशन तुमको केमी लगे कमेंट बॉक्स रे जना आउ जहाँ भी जो प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन भी डाउट आसुची से नंबरटा ही मतलब कह आउथ स्टेप सारे ये स्टेपटा आप कम कले बुझीपाले तो मुझे आगामी लेक्चरटा आसो मुझे डाउट सल्व कर चेस्टा करी आज पिला मतलब कमेंट करते सर वन सी होमवर्क दिखुं बोली देख पिले तुमको मुझे कनसेप्ट बुझे बुझे जाऊँ तो तुम्हें मो लेक्चर आसे को वेट करनि तुम्हें 18 नंबर जाए बुझेली 25 नंबर जाए निजे कर मुझे जो जो थियोरम जो जो प्रोसेस गोटा सागर गोटे डाटा बाहर करी ताको जो प्रोसेस मोर सल्यूसन आड़क आसूसी से ही प्रोसेस गुड़ा शिखिकी निजे निजे गोटे गोटे ट्राए कर हेले तुम जापर तुम्हें मो लेक्चर शिखुच ना 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 मुझे मत क्वेश्चन आंसर करदे तुम टीपी दब घोषिला भाया हो तुम मैथमेटिक्स तो घोषिला हेनी तो निजे निजे 25 नंबर जाए ट्राए कर आगुक मुझे चेष्टा कर ऑनलाइनर आने तो सेटा गोटे एग्जाम भाया हम आउ वीडियो आरंभ रु प्रैक्टिस सेशन कथा कही सेक्शनल एग्जाम कथा कही जदि क्या सेक्शनल एग्जाम दरकार पड़ो केवल मैथ मैथ आउ इंग्लीश दे मत मोर से व्हाट्सअप नंबर कंटाक्ट कर ठीक अच्छे निजर ना कह निजर आड्रेस कह आम कौन चाहू मत से दरकार कर मत आड़ साड़ू किसी मेसेज कर ना अदरवैज मुझ ब्लक करदेवि सो जहाँ भी रिक्वायरमेंट हम जहाँ को हेल्प दरकार हेल्प करने प्रेजेंट अच्छे सो एस लेक्चरटा को मुझे शेष करा आगामी लेक्चर ओके सी यू।